ये देखो भाई रोड कैसा है, ये देखो मतलब कुछ ऐसा है अंदर आने के बाद। पेड़ देख रहे हो भाई, बगीचा टाइप का लग रहा है ये तो। ये देखो यार एंट्री लेते के साथ कैसा है भीड़, ऐसा है। ये कुत्ता इधर बैठने वाला, पुलिस वाले चेकिंग यहाँ पे पकड़ाती है ना भाई, तो भाई अच्छी अच्छी की बैम्बू हो जाती है यार, चलान बहुत ही तगड़ा वाला कट जाता है यहाँ पे। हमारा भी एक बार कटा था। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपन लोग निकल चुके हैं 4 लेन हाईवे पे और अभी यहाँ से अपन लोग नालंदा जा रहे हैं, क्योंकि अपने को आज दिखानी है नालंदा रेलवे स्टेशन के बारे में। मैं आज ना दूसरी बार जाने वाला हूँ नालंदा का रेलवे स्टेशन, वो हॉल्ट या फिर स्टेशन है ये भी मेरे को पता नहीं है। तो अभी वहाँ पे जाते हैं, आपको सारा कुछ दिखाते हैं और फिर देखते हैं वो हॉल्ट है या फिर स्टेशन है। तो आपको क्या लगता है, हॉल्ट होगा नालंदा या फिर स्टेशन होगा नालंदा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बट अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से और मेरे साथ है अभिषेक, देख सकते हो पीछे के साइड, और हम दोनों अभी जा रहे हैं। तो अभी पहले अपने को मंडी से कुछ खरीदना है फ्रूट से सब, और उसके बाद अपन लोग कंटिन्यू करते हैं नालंदा की ओर। तो जल्दी से चलते हैं गाइस। तो ये देख रहे हो ये 4 लेन भाई काफ़ी भयानक सा बन चुका है, काफ़ी मस्त सा बन चुका है, अभी पूरा कंप्लीट लगभग में हो ही चुका है यार। मतलब कुछ अभी बचा हुआ है जो कि कंप्लीट हो जाएगी इसी साल में भी, होप की हो जाए कंप्लीट। पहले देखते थे अभी कैसे कार एकदम ना स्पीड में पार हो जाती है, बट पहले ना इतना पतला था ना कि भाई मतलब पास होने में ना काफ़ी स्पीड से नहीं पास हो सकते थे, थोड़ा स्लो स्लो करके ही सारे लोग पास करते थे, क्योंकि बस भी उतना चलता था और प्लस 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारा, तो इसी कारण से जाम काफ़ी ज़्यादा रहता था। और हमारे आगे पुलिस की गाड़ी, और इधर देखो ना तो ये पेट्रोल पम्प है, और इस तरफ क्या बहुत सारा कुछ खुल चुका है यार, जब से हाईवे बनी है ना तब से बहुत कुछ खुल चुकी है। ये देखो सारा पोल गड़ा रहा है, आजकल बिजली में ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, इसी कारण से हर एक जगह एक पोल गड़ा रहा है। देखो यहाँ भी पोल गड़ा चुका है, आगे भी गड़ा चुका है, मतलब बहुत जगह आ चुका है पोल। और ये देखो सुजुकी का शोरूम, और ये सामने एकदम चले जाओगे ना अपन लोग जिस तरफ राइट साइड लेंगे ना, उधर नालंदा की ओर मुड़ेंगे और उसके सामने जाओगे ना तो पावापुरी नवादा ये सब होते जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे एक बार अपन लोग पावापुरी का भी वीडियो लाए 4 लेन का, क्योंकि उधर का ना काफ़ी धांसू रोड बन चुका है भाई, बहुत ही खतरनाक वाला। तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताना कि पावापुरी का 4 लेन आपको दिखानी है या फिर नहीं दिखानी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और ये देखो पुलिस बिल्कुल हमारे आगे पीछे हो रही है भाई, क्या सीन है। इधर देखो टाटा का खुल चुका है, हमारे पीछे भी एक था टाटा का, इधर भी टाटा का एक माँ कमला खुल चुका है टाटा मोटर्स का, और इधर महिंद्रा का सर्विसिंग सेंटर शोरूम। और अभी देखो यहाँ पे हम लोग बड़ी पहाड़ी पहुँच चुके, इस साइड देखो पहाड़, और यहाँ पे चेकिंग काफ़ी तगड़ा वाला होता है। बट हम लोग अपना हेलमेट पहन चुके और सामने के साइड एक स्कॉर्पियो, और फिर सामने देखो पुलिस वाले चेकिंग यहाँ पे पकड़ाती है ना भाई, तो भाई अच्छी अच्छी की बैम्बू हो जाती है यार, चलान बहुत ही तगड़ा वाला कट जाता है यहाँ पे। हमारा भी एक बार कटा था जब हमने हेलमेट नहीं पहना था ना, उस टाइम चलान कटा था। उसके बाद से ना भाई हम भी सोचे नहीं यार बिना हेलमेट का तो जा नहीं सकते हैं। ये देखो इधर से गाड़ियाँ आ रही है, और ये अपना पुलिस वाले अंकल जी लगे हुए हैं भाई, कोई मिल जाए तो मस्त है उनको, रॉन्ग साइड से बिल्कुल भी मत जाना भाई, क्योंकि चलान कटने का काफ़ी ज़्यादा शंका होती है। ये दिख रहा है 4 लेन, ऊपर देखो भाई ब्लू ब्लू टाइप का, ग्रीन ग्रीन टाइप का क्या दिया है बीच में भाई, मतलब अब ना जो स्टार्टिंग में जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होती है ना वो वाला सीन ना काफ़ी भयानक लगता है, क्योंकि ऊपर चढ़ के दिखाएंगे ना आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी ना वो पावापुरी वाला वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा फुल डिटेल्ड में, कितना भयानक हेवी वाला 4 लेन बन चुका है। मतलब ये स्टार्टिंग नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत भयानक बना भाई, बहुत भयानक। तो मैं दिखाऊंगा कल का वीडियो में। इधर देखो इधर बाजार समिति, जो कि अपन लोग कुछ शॉपिंग करेंगे फ्रूट से सब लेनी है, बट अभी फिलहाल यहाँ से नीचे ढोलेंगे अपना सामान लेंगे और फिर नालंदा की ओर जाएंगे अपन लोग। ये भाई ये देखो सामने की साइड जाम, क्योंकि यहाँ से एक रामचंद्रपुर की ओर जाती है, एक उधर हिलसा की तरफ जाती है, वही डायरेक्ट रामचंद्रपुर की ओर जाती है। और देखो अपना बाइक में तेल बिल्कुल भी नहीं है, ये देखो भाई पूरा ई पे आ चुका है, थोड़ा बहुत तेल है बट इतना में अपने को 10 किलोमीटर यहाँ से है तो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और उसके बाद आते वक्त अपन लोग तेल लेंगे। देखो यहाँ पे भाई नीचे भाई काफ़ी भयानक बन गया यार, पहले इतना पतला था ना कि आप लोग मतलब मैं तो उस टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ जिस टाइम ये बहुत ज़्यादा पतला था, बट अभी से कर रहा हूँ, तो अभी तो यार मतलब काफ़ी चौड़ा सा हो चुका है रोड सारा। देख रहा हूँ इधर देखो, वो देखो
तो भाई मतलब क्या मस्त वाला राइडिंग कर रहा था। मैंने देखा ना यार उसका राइडिंग काफ़ी भयानक था R15 वाले का। भाई अपने पास भी है, अपन लोग भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले R15 से राइडिंग। अभी कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है उसमें, प्लस घर के सामने जो घर बन रहा था ना तो उसके कारण निकलने में भी नहीं बन रहा था बाइक को। बट अब बांस हट चुकी है तो अब निकालेंगे बहुत ही जल्द गाइस। सो भाई सामने एक साइड दिख रहा है अपन लोग, एक इधर से बायां तरफ जाती है, एक सामने एकदम चल जाती है पावापुरी, और एक राइट साइड जाती है जो कि नालंदा राजगीर की तरफ जाती है। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पावापुरी 4 लेन का, तो उसके लिए सामने जाएंगे। बट अभी अपन लोग नालंदा जाने वाले हैं, तो यहाँ से अपने को राइट की तरफ लेनी है। तो देख सकते हो पहले कितना ही मतलब यहाँ पे जाम लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम काफ़ी पतली थी। बट अब भी देखो ना भाई, जाम का कोई नामो निशान ना है। और इधर से थोड़ा सा बीच से बन रहा है ना, तो इधर से रास्ता दिया है पावापुरी जाने के लिए, और उधर से सामने एकदम चले जाओगे। ये इधर से सामने एक साइड से आने वाला, एक साइड से जाने वाला, और अभी अपन लोग नालंदा की ओर इधर से जा रहे हैं। तो अभी इधर की ओर मुड़े हैं, अभी यहाँ से नहीं भी मानो तो 6 से 7 किलोमीटर होगा स्टेशन की तरफ। तो बस खड़ाक से स्टेशन की तरफ चलते हैं पहले। और यहाँ का मार्केट देखो भाई, इसको बोलते हैं क्या, चोरा बगीचा बोलते हैं ना, ये चोरा बगीचा है, ये जगह का नाम है चोरा बगीचा। और फिर अपना फ्रेंड भी इधर रहता था यार, प्रभाकर और दिवाकर, जो कि आगे होगा उसका घर वहीं पर, बट अभी रहता है वो लोग पटना में ही। इधर से भी नीचे वाला एक रास्ता है, और फिर ऊपर वाला एक क्लोज अभी कर चुका है शायद कुछ कारणवश, और फिर ये आने वाला रूट था उधर से। बट इससे अपन लोग जाते भी है आते भी है, और एक नीचे से भी रास्ता है जो कि ज़्यादातर हेवी व्हीकल नीचे से जाती है, ऊपर से थोड़ा सा लो व्हीकल से जाती है, लाइक हेवी वेट वाला नहीं, थोड़ा लो वेट वाला। बट जब कंटिन्यू दोनों हो जाएगी ना, तो ऊपर से ही आन जान और दोनों होगा। और नीचे की साइड देखो ना, तो एक पंचाने नदी है, जो कि मैंने एक बारी संडे राइड वाली ब्लॉग में ये वाली मैंने डाला था पंचाने नदी का। और ये आगे जाओगे ना, यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास ही नालंदा रेलवे स्टेशन है, तो अपन लोग बस वहीं पे जाते हैं और करते हैं कंटिन्यू गाइस। फाइनली भाई अपन लोग पहुंच गए हैं, मतलब अभी 4 लेन पे है, इससे अंदर नीचे की ओर जाएंगे ना तो नालंदा रेलवे स्टेशन है। तो ये देख सकते हो इधर है नालंदा रेलवे स्टेशन, और अभी अपन लोग रोड पे ही हैं। तो अभी अपन लोग अंदर की ओर चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी अपन लोग ढूल चुके हैं, और सामने की साइड देखो स्टेशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अभी शायद कोई ट्रेन आई है, तो वहाँ से कुछ पैसेंजर आ रहे हैं शायद, सरंजीवी आई होगी ना। 12:30 हो रहा है, तो नालंदा का टाइम और पहले ही था, मतलब 1.5-2 घंटा लेट होगा सरंजीवी, इसी कारण से अभी सारे पैसेंजर आ रहे हैं। तो अभी आपको ना अंदर जाके दिखाते हैं। ये देखो भाई रोड किसा है, और सामने एक साइड स्टेशन। सो भाई ये देखो मतलब कुछ ऐसा है अंदर आने के बाद, पेड़ देख रहे हो भाई, बगीचा टाइप का लग रहा है ये तो। ये देखो और इधर घर है, और सामने एक साइड स्टेशन। अभी अंदर जाके ना देखते हैं स्टेशन है या फिर हॉल्ट है भाई, कुछ ऐसा सीन है भाई। कलर देखो एकदम रेलवे स्टेशन का ना, यही कलर होना चाहिए भाई, ये रेलवे का प्रतीक है भाई ऐसा कलर। देख सकते हो इधर से भी एक रास्ता है, और ये देखो अपना स्टेशन नालंदा ऊपर से ही लिखा हुआ है, देख सकते हो नालंदा दिख रहा है, ये देखो नालंदा लिखा हुआ। अभी यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे और फिर अंदर जाएंगे हम लोग। देखो यार एंट्री लेते के साथ कैसा है भीड़, ऐसा है इधर बैठने वाला। ये अंदर आने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1, और इधर देखो कुछ पैसेंजर, शायद अभी पटना जाने वाला कोई ट्रेन आने वाला है, पटना जाने वाली। स्टेशन देखो ना तो भाई मतलब क्या है यार, मतलब सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म, और देखो उधर की साइड, मतलब 12:45, थोड़ा सा रुक के देख लेना, 12:45 हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 नालंदा। सिर्फ 2 ही तो प्लेटफॉर्म है ना, एक ये वाली 1 नंबर, 1 उधर 2 नंबर, और ये देखो सामने की साइड लिखा हुआ नालंदा, और ये बाबू को देखो। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं चलेगी भाई, क्योंकि ओपन है, कहीं से भी घुस सकते हो, उधर से भी घुस सकते हो, इधर से भी घुस सकते हो, कहीं से भी घुस सकते हो। और इस टाइम कौन सा ट्रेन आएगा पता नहीं, बट एक बख्तियारपुर वाला ट्रेन है, शायद लोकल ट्रेन है, वो ट्रेन आने का टाइम हो रहा है। और फिर इधर मानो ना
तो तुम देख ही सकते हो यार, अभी रेड सिग्नल है उधर सामने की साइड, वो देखो रेड सिग्नल है। और यहाँ पे पैसेंजर मतलब मान के चलो नॉर्मल सा ही पैसेंजर, यहाँ खाने पीने वाला कुछ है, और ये अपना नालंदा लिखा हुआ देख सकते हो स्टेशन है भाई, हॉल्ट ही मानो यार, मतलब हॉल्ट स्टेशन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस नालंदा लिखा हुआ है। तो बस कुछ ऐसा ही है, यहाँ से शायद एक राजगीर का एक गया का रूट खुला है, दो रूट खुला है यहाँ से, और इधर तो पटना बख्तियारपुर से आती है बिहार शरीफ होते हुए, तो यही कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं यार। ये देखो इधर से भाई मतलब पूरा खाली है, शायद ये भी मे बी आने वाले समय में ना, नालंदा तो ऑलरेडी फेमस है ही, स्टेशन फेमस हो जाएगी मे बी, क्योंकि इधर इसका जगह देखो ना तो काफ़ी सारा जगह भरा हुआ है, देखो उधर तक जगह गया हुआ है, इधर भी काफ़ी अंदर तक जगह है, नालंदा स्टेशन का ही सारा जगह है। तो आने वाला समय में ना ये भी मानो तो बिहार शरीफ स्टेशन जैसा है ना वैसा ही स्टेशन बनने लायक हो जाएगा, बन सकता है गाइज, मे बी फ्यूचर किसने देखा, आगे शायद बन जाए, बट बनना चाहिए यार, क्योंकि नालंदा खुद में एक मतलब बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है यार, मतलब खुद में मानो ना तो बहुत ही बड़ा वो है नालंदा, तो इसको बनना बहुत ज़रूरी है यार, बना दो यार। सो भाई अभी अपन लोग नालंदा रेलवे स्टेशन के पास में ही है, मतलब उतना बड़ा नहीं है, हालांकि मैं एक बार आया था बट मैंने उतना गौर नहीं करा था कि नालंदा स्टेशन है या फिर हॉल्ट है, तो मे भी छोटा है, सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है, तो इन फ्यूचर जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, इन फ्यूचर ये स्टेशन अगर बने ना तो भाई बहुत ही बड़ा स्टेशन बनेगा, क्योंकि नालंदा खुद में एक इतिहास है गाइज, आप लोगों को पता नहीं होगा ना, तो हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे ना तो देखोगे नालंदा खुद में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बहुत कुछ है यार उसमें, मैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ोगे ना तो खुद में ये एक बहुत ही बड़ा इतिहास है गाइज, तो वो ज़रूर पढ़ना, और उसके नाम पर नालंदा स्टेशन है ना, तो भाई बना दो यार इसको, मतलब जैसा नालंदा का नाम है ना वैसा ही स्टेशन भी होना चाहिए, बट स्टेशन वैसा है नहीं, सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म, तो समझ सकते हो कैसा स्टेशन है, बट जगह यहाँ का ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा जगह है, बहुत ही बड़ा, अगर चाहोगे ना बनाना अगर बनना होना इन फ्यूचर में तो बहुत ही बड़ा स्टेशन बनेगा। तो बस यही कुछ है गाइस, तो यहाँ पे पब्लिक भी अभी बहुत है, मतलब उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, मेन बिहार शरीफ में ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, तो बस यही अभी कोई गया बख्तियारपुर पैसेंजर एक्सप्रेस आएगी उससे सारे लोग निकलेंगे यहाँ से, जो जो पैसेंजर है ना यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग उसी से जाएंगे बख्तियारपुर की तरफ, गया से आ रही है बख्तियारपुर की ओर जाएगी। तो अपन लोग सोच रहे हैं गाइस यहाँ पे वीडियो को कर दें एंड, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना, तो बाय बाय, जय श्री राम गाइज। और नेक्स्ट वीडियो अपन लोग पावापुरी 4 लेन का लाने वाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो बाय बाय गाइज।